नेटफ्लिक्स पे या किसी अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप अपनी नई स्क्रिप्ट को या स्टोरी आइडिया को कैसे पिच कर सकते हैं, या फिर नेटफ्लिक्स अदर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप अपनी बनी हुई पिक्चर या बनी हुई वेब सीरीज को कैसे सेल कर सकते हैं। बहुत सारे मन में सवाल होते हैं कि अगर मुझे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाना है, अगर मुझे वेब सीरीज बनानी है, फिल्म बनानी है, तो कैसे उनको बेचेंगे, क्या वो पैसा बाद में देते हैं, पहले देते हैं, अगर आइडिया अप्रूव हो जाता तो कैसे बनाया जाता है, यही सब बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे, भले वो फेक ऑडिशंस पे हो, कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज का जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल आज का है, मतलब बिल्कुल न्यू है, अपडेटेड है। आज चारों तरफ चर्चा है ओटीटी प्लेटफॉर्म की। जब से कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद से लोग घर में गए, तो घर में एक एंटरटेनमेंट हमेशा मौजूद था उनके मोबाइल में, और वो था ओटीटी प्लेटफॉर्म वाला। बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, फिर जी टीवी का है, उसके बाद अल्ट बालाजी है, रापची है, इसके अलावा डॉन सिनेमा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आजकल आ गए हैं। तकरीबन 30 से भी ज़्यादा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने नए आइडिया को पिच कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि नए ओटीटी प्लेटफॉर्म नए प्रोड्यूसर को एंटरटेन कर रहे हैं। आज नए प्रोड्यूसर की प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी, किसी तरह से अगर फिल्म बना भी लें तो प्रॉपर उसको रिलीज़ नहीं कर पाते थे। इस वजह से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो पूरी तरह से टोटली वेस्ट हो जाता था। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पे क्योंकि आपको पेमेंट एक जगह से ही मिलता है तो आपका बेनिफिट हो जाता है। लेकिन इसके लिए भी आपको उनकी गाइडलाइंस, उनके प्रोसीजर को जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो यहाँ पर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो वेब सीरीज बना तो चुके हैं लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट आज भी वापस नहीं आ पाया। इसलिए मुझे लगा, कमेंट्स में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे थे, कि मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। तो आज का वीडियो अंत तक देखिएगा, पूरी तरह समझिएगा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म किस तरह से काम करते हैं। पहले हम बात करते हैं सबसे बड़े प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की। अगर आपको नेटफ्लिक्स पे अपनी स्टोरी आइडिया को पिच करना है एज अ राइटर, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के तौर पे, उन्होंने स्पेशली ये चीज़ें अपनी वेबसाइट पे मेंशन की हैं। नेटफ्लिक्स सिर्फ लाइसेंस लिटरेरी एजेंट और प्रोड्यूसर, अटर्नी, मैनेजर या एंटरटेनमेंट एग्जीक्यूटिव के जरिए ही सारे सबमिशन को स्वीकार करता है। इसके अलावा जितने भी सबमिट होते हैं आइडिया, उनको बिन मांगा गया सबमिशन माना जाता है और रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक बात और बता दूं आपको, बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग आपको मिलेंगे, ट्रेड में ऐसे लोग मिलेंगे जो ये कहते हैं कि हमें इतने पैसे दे दो, हम आपको नेटफ्लिक्स से या किसी और ओटीटी प्लेटफॉर्म से अप्रूव करा के दे देंगे। मेरा आपको क्लियर सजेशन है, प्लीज़ इन चक्करों में ना पड़ें, ये बिल्कुल पूरी तरह से फ्रॉड होता है। ऐसा कभी भी नेटफ्लिक्स नहीं करता कि किसी के भी कहने से आपके सब्जेक्ट को अप्रूव कर देगा। ये पूरी तरह से एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल बॉडी है। अब आते हैं दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट सबमिशन होता है, मेल के थ्रू होता है, मीटिंग के थ्रू होता है, स्नॉप्सिस भेजे जाते हैं, और बहुत सारे, तकरीबन सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके आइडिया को सुनते हैं, क्योंकि उनको भी अच्छे कंटेंट की बहुत बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आखिरी में कॉन्टेंट ही किंग है। यहाँ पर भी सबमिशन का तरीका बहुत सिंपल है कि आप उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी पे जाते हैं और उनको सबमिट करते हैं आइडिया, उनको अच्छा लगता है तो मीटिंग के लिए बुलाते हैं, मीटिंग में आप सब्जेक्ट को नरेट करते हैं, उसके बाद होता है तय बजट, और बजट तय होने के बाद बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी की जाती है। एक और सवाल सबके मन में रहता है कि भाई यदि हमारी फिल्म तैयार है या डॉक्यूमेंट्री तैयार है, शॉर्ट फिल्म तैयार है, तो उसको फिर हम नेटफ्लिक्स पे या किसी बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किस तरह से सेल करें। देखिए, डायरेक्ट जाएंगे तो बहुत टाइम भी लग जाएगा, हो सकता है आपको सक्सेस ना मिले। इसका सबसे बेहतरीन मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आप उस फिल्म को, डॉक्यूमेंट्री को फिल्म फेस्टिवल में लेके जाएं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लेके जाएं, जो देश में हो रहे हैं उन फेस्टिवल्स में लेकर जाएं। वहाँ पर जब उसको अवार्ड मिलेगा, रिकॉग्निशन मिलेगा, तो कोई भी एजेंट, कोई भी मैनेजर आपको डायरेक्ट भी कॉन्टेक्ट कर सकता है, या अगर आप पिच करेंगे तो आपकी उस फिल्म की प्रोफाइल बहुत अच्छी होगी, तो आपको आसानी होगी उस फिल्म को सेल करने के लिए। आपके हेल्प के लिए कुछ फेस्टिवल्स के मैं नाम बता देता हूं, जैसे कि मुंबई फिल्म फेस्टिवल, जिसको कि मामी के नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा, चेन्नई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसके अलावा भी बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल होते रहते हैं, आपको गूगल पे सर्च करने पर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप इस पर डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं, मतलब फिल्म फेस्टिवल्स पर, तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, मैं स्पेशल वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा। यदि एज ए प्रोड्यूसर राइटर आपका आइडिया अप्रूव हो गया, तो आप किस तरह से फिल्म बनाएंगे या वेब सीरीज बनाएंगे, इसको जानना भी बहुत जरूरी है। तो अब मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। जैसे ही आपका आइडिया अप्रूव हो गया, उसके बाद एक डिटेल डिस्कशन होता है, और डिटेल डिस्कशन में
बहुत सारी बातें तय होती हैं, मतलब कि कास्टिंग क्या होगी, लोकेशन क्या होंगी। नेटफ्लिक्स की और बाकी OTT प्लेटफॉर्म की अपनी गाइडलाइंस होती हैं, कैमरा कौन सा यूज़ करेंगे, लेंस कौन सा यूज़ करेंगे, किन सेटिंग्स पे फिल्म को शूट करेंगे, साउंड किस क्वालिटी का होगा, बहुत सारी बातें आपको देखनी पड़ेंगी। नेटफ्लिक्स ने अपनी वेबसाइट पर ये सब डिटेल दे रखी हैं, आप उनको देख सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप अप्रूव आइडिया पर फिल्म बना रहे हैं तो आपको इन पैरामीटर को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन मान लो आप फिल्म बना चुके हो तो उसमें फिर ये रिक्वायरमेंट इतनी अहम नहीं रह जाती, फिर ये रहता है कि उसको फेस्टिवल में कितना रिकॉग्निशन मिला है और वो अगर पॉपुलर हो गया तो वो लोग उसके बाद भी ले लेंगे। लेकिन फिर भी कम से कम 4K में शूट हुई अच्छी साउंड क्वालिटी की ही फिल्म होनी चाहिए। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है तो नेटफ्लिक्स हो या फिर दूसरे OTT प्लेटफॉर्म, वो कोई भी ले लेंगे। तो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है वो मैंने आपको बता दी। इसमें जो समझने की बात है आपके लिए जो नए प्रोड्यूसर आ रहे हैं वो ये है कि इस समय ये सबसे अच्छा बिजनेस आइडिया है कि आप एंटरटेनमेंट बिजनेस में आएँ। जहाँ चारों तरफ हर बिजनेस डाउनफॉल पर जा रहा है, वहाँ एंटरटेनमेंट बिजनेस सिनेमा घरों के बंद होने के बावजूद भी ग्रो कर रहा है। यहाँ पे एक और अच्छी बात है सभी नए लोगों के लिए, नए प्रोड्यूसर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता था कि किस तरह से हम फिल्म बनाएं और सिक्योर करें अपने इन्वेस्टमेंट को, वो यहाँ पर आपका जो प्लान है वो बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकता है। OTT प्लेटफॉर्म पे जाने का आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आपका एग्रीमेंट पहले से हो जाता है, बजट पहले से तय हो जाता है, तो आपको मालूम है कि मुझे एक्स अमाउंट मिलने वाला है। अमाउंट आपको सबमिशन के बाद ही मिलता है। सभी लोगों के अलग अलग पेमेंट टर्म्स हैं, कोई 30 डेज में देता है, कोई 45 डेज में, कोई 60 डेज पे। लेकिन क्योंकि आपके पास एग्रीमेंट है तो आपके पास एक श्योरिटी होती है। अगर आप भी किसी OTT प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोजेक्ट को लेकर जाना चाहते हैं तो जॉइंट फिल्म्स की टीम, एक्सपर्ट टीम आपकी हेल्प कर सकती है। जॉइंट फिल्म्स भी कंप्लीट फिल्म प्रोडक्शन सर्विस में एग्जीक्यूट करता है, मतलब ये कि प्रोजेक्ट के अप्रूवल से लेकर उसके सबमिशन तक और रिकवरी तक आपके साथ जुड़ा रहता है। यानी कि ये कि आपकी वेब सीरीज और फिल्म बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ, बिल्कुल रिस्क के बिना किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज भी होगी और आपका जो मनी है वो भी सेफ रहेगा। तो आप भी इस सर्विस का बेनिफिट ले सकते हैं। ऑलरेडी हम काफ़ी सारे प्रोडक्शन कर रहे हैं काफ़ी सारे OTT प्लेटफॉर्म के साथ, तो अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्शन सर्विस में आगे जाना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, या आप इस बिजनेस से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं और क्रिस्टल क्लियर एक्सपर्ट की इंफॉर्मेशन और नॉलेज चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा जॉइंट फिल्म्स के हेल्पलाइन नंबर से, जो कि स्क्रीन पर आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा। आगे आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, किस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं OTT प्लेटफॉर्म पर, वो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि नए प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट हो। जब नए प्रोड्यूसर को बेनिफिट होगा तो नए कलाकारों को भी बेनिफिट ज़रूर होगा। अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलते रहे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I can, I will join.